मैम, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ और अपने अपने सीवी दिखाओ। अरे वाह सचिन, तुम्हारा सीवी तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम। वैसे सचिन, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ी? वहाँ तो तुमने 6 साल काम किया है ना। वो क्या है ना मैडम, मुझे ना वहाँ पर सैलरी कम मिल रही थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। ओ अच्छा, फिर तो तुम हमारी कंपनी में छोड़ दोगे अगर तुम्हें कोई और अच्छी कंपनी मिल गई तो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपकी कंपनी को छोड़ूंगा, क्योंकि आपकी कंपनी का तो इतना बड़ा नाम है, और वैसे भी मैंने वो पिछली कंपनी इसलिए छोड़ी ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके, जो कि मुझे मिल चुका है। और वैसे भी मैडम, मैं ना आपकी कंपनी में बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सके, और मुझे उम्मीद है कि अब मुझे जॉब मिल भी जाएगी, क्योंकि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आप? मैम, मेरा सीवी। ओके, यू आर फ्रेशर, देन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैडम, मेरा नाम राज है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। ओ भाई, ठेले पर कपड़े खरीदने आया क्या? इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आया, तुझे पता नहीं इंग्लिश में बात करते हैं? तो तुम हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो? हाँ मैम, मैं हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन मैम हिंदी हमारी मातृभाषा है और मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं अब आप दोनों को अपनी कंपनी के बेसिक रूल्स बता देती हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि आप दोनों को सुबह टाइम से ऑफिस आना होगा। ओके मैडम, नो प्रॉब्लम, मैं तो टाइम से ही ऑफिस आऊंगा। एंड सेकंड रूल है कि आप दोनों इस बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो एक प्रोफेशनल की तरह आपको फुल आउटफिट में आना होगा। ओके मैडम, वैसे भी मुझे आपके ऑफिस का ड्रेस कोड बहुत अच्छा लगता है। ओह नाइस, इंप्रेसिव। देखिए ना मैडम, मैं तो अपनी ड्रेस कोड में इंटरव्यू देने आया हूँ, और एक ये है जैसे बाजार में आलू खरीदने आया हूँ। थर्ड एंड लास्ट रूल ये है कि आप दोनों को कॉम्प्रो भी करना होगा। कॉम्प्रो? मैडम किस चीज का कॉम्प्रो? हाँ कॉम्प्रो, तुम दोनों को मुझे खुश करना होगा। खुश करना होगा? हाँ खुश करना होगा, और जो मुझे खुश करेगा मैं उसी को ये जॉब दूंगी। अरे क्या हो गया, जब तुम दोनों लड़के होके ये सब कर सकते हो तो मैं लड़की होकर ये सब नहीं कर सकती? सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे लड़की की इज्जत करना सिखाया है। ये रहे पूरे 1,00,000 रुपए, जो मुझे खुश करेगा तुम दोनों में से, उसके ये पूरे पैसे, और हाँ जॉब भी उसकी। सॉरी मैम, मुझे ये मंजूर नहीं है, और ना ही मुझे ये आपके पैसे चाहिए। सोच लो, ये ऑफर ना बार बार नहीं मिलता, और हाँ इतनी अच्छी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलती, और ये पैसे तुम्हें एक बार नहीं हर महीने मिलेंगे। सॉरी मैम, लेकिन फिर भी मुझे ये शर्त मंजूर नहीं, चाहे आप 1,00,000 रुपए दो या फिर 2,00,000 रुपए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैडम मैं करूँगा ये जॉब। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये जॉब किसको देनी है। मैडम डिसाइड तो हो ही गया, ये जॉब तो मुझे ही मिलनी है। सॉरी सचिन, ये जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी, ये जॉब राज को मिलेगी। अरे मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तो आपका ऑफर भी माना है और आपने मेरा सीवी भी देखा है, और ये तो अभी फ्रेशर है ना। मिस्टर सचिन, आप एक्सपीरियंस जरूर हैं, लेकिन इससे हमें और हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप गर्ल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं, अब आप जा सकते हैं, और हाँ जाने का दरवाजा उधर से है। गो नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राज, ये जॉब तुम्हें मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राज, ये जॉब तुम्हें मिल गई है, और हाँ कल से टाइम से आना ऑफिस। थैंक यू सो मच मैम।